हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त पवन माली स्वागत करता हूं पवन माली चम्मल मंडल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरे साथ में काफ़ी भाई लोग यहां पर घूमने के लिए आए हैं। चम्मी नदी मंडल और राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच गुजरती चम्मी नदी पर। तो दोस्तों आज हम ब्रिज पर ऊपर जाएंगे और ब्रिज का जो सीन है पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों आज भी ब्रिज पर घूमने के लिए आए हैं और दोस्तों आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाला जो ब्रिज बन रहा है चम्मी नदी राजघाट का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर रेलिंग भी बन चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं रेलिंग बनती हुई, इधर की साइड में रेलिंग बन चुकी है और ऊपर जाके मैं बताऊँगा कितनी रेलिंग बन चुकी है। तो दोस्तों और यहाँ पर गार्डन कितनी बाकी है पूरी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी भाई लोग यहाँ पर घूमते हुए चम्मी नदी पर इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं दोस्तों इस गाड़ी से आए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी भी रखी हुई है और भाई लोग यहाँ पर साथ में हैं और हम चलते हैं अभी ऊपर ब्रिज पर। तो ब्रिज का भी मैं वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसी वीडियो आप सभी को मिल सके और दोस्तों को भी मिल सके। और चम्मी नदी ब्रिज राजस्थान मध्य प्रदेश का जो ब्रिज बन रहा है उसकी भी जानकारी आप सभी भाइयों को मिल सके। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज। तो चलते हैं दोस्तों, मैं बैक कैमरे द्वारा पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहें, वीडियो छोड़ के बिल्कुल ना जाएँ। दोस्तों अब मैं ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ और सब मेरे साथ में जो भाई लोग हैं सभी ऊपर ब्रिज पर आ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा। और दोस्तों अभी हम राजस्थान की साइड हैं और एमपी साइड चल रहे हैं। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में जब तक के लिए। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और दोस्तों वीडियो पूरा देखें और पूरी जानकारी के साथ मैं आप तक वीडियो पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को मिस ना करें और चम्मी नदी मंडराल जो अटार घाट सबलगढ़ वाला जो राजस्थान मध्य प्रदेश वाला जो ब्रिज बन रहा है इसकी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो बने रहें दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाली चम्मी नदी। जी हाँ, राजस्थान मध्य प्रदेश वाली चम्मी नदी। जी दोस्तों, मैंने दो तीन दिन पहले इसी चम्मी नदी का मैंने वीडियो डाला था। चम्मी नदी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो दोस्तों अब चम्मी नदी का जलस्तर है तो अब काफ़ी घट चुका है। जी हाँ, काफ़ी घट चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी चम्मी नदी का जलस्तर 6.400 चल रहा है और मैंने दो तीन दिन पहले वीडियो बनाया था तो दोस्तों चम्मी नदी का जलस्तर था तो 8.500 चल रहा था। जी हाँ, 8.500 चल रहा था। दोस्तों चम्मी नदी का जो जलस्तर था 8.5 मीटर चल रहा था और अब चम्मी नदी का जलस्तर है 6.400 चल रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने पहले आपको वीडियो बनाया था तो आप देख सकते हैं आपको दृश्य नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर चम्मी नदी का जो पानी कितना आया था और कितना घट चुका है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। और जो स्टीमर राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच जो चम्मी नदी में जो स्टीमर डाले जाते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्टीमर भी किनारे पर लगे हुए हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं और ब्रिज का भी मैं पूरा सीन आप तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों इधर की साइड में रेलिंग बनती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इधर की साइड में रेलिंग बन चुकी है और दोस्तों इधर की साइड में अभी रेलिंग बनना चालू नहीं हुआ है। इधर की साइड में दोस्तों ये आपको नज़र आ रही होगी रेलिंग और दोस्तों एक बाउंड्री आपको इधर की साइड में नज़र आ रही होगी। जैसे कि दोस्तों आपको भाई खड़ा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर जो ये बाउंड्री नज़र आ रही है। तो दोस्तों इधर की साइड में ऐसी बाउंड्री बनी हुई है, ऐसी उधर की साइड में बनी हुई है और दोस्तों ये रेलिंग बनाई जा रही है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसी रेलिंग अभी उधर की साइड में नहीं बनी है तो दोस्तों इधर की साइड में रेलिंग बन चुकी है। तो दोस्तों बने रहें और मैं पूरी जानकारी के साथ आप तक मैं वीडियो पहुँचा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो गार्डन डाली जा रही है चम्मी नदी ब्रिज पर, तो दोस्तों अभी गार्डन डालना का काम चालू है पर लेकिन यहाँ पर दोस्तों गार्डन तो डाली जा रही है पर लेकिन गार्डन अभी 8 बाकी हैं। जी हाँ, अभी गार्डन है जो 8 बाकी हैं और काफ़ी गार्डन डल चुकी हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं जो ट्रेन की सी पटली द्वारा यहाँ पर जो ट्रेन की सी पटली आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों यहाँ पर जो चम्मी नदी ब्रिज पर। तो दोस्तों इस ट्रेन की सी पटली द्वारा यहाँ पर गार्डन डाली जाती है कि दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था यहाँ पर जो स्टीमर डाला जा रहा है किनारे पर रखा हुआ है राजस्थान की साइड। तो एक स्टीमर रखा हुआ है और दूसरा स्टीमर चल दिया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपको बीच नदी में चम्मी नदी में जो स्टीमर आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों राजस्थान की साइड से एमपी साइड चल दिया है सवारियों को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर चम्मी नदी का जलस्तर है जो घटता हुआ नज़र आ रहा है, 6.400 चल रहा है और दो तीन दिन पहले 8.5 मीटर था। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इधर की साइड में राजस्थान का किनारा है और इधर की में देखोगे तो इधर की साइड में एमपी का किनारा। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.
did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज, जी हाँ राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज। तो दोस्तों यहाँ पर आप, मैंने पहले भी आपको राजस्थान की साइड का जो ब्रिज का जो वीडियो बनाया था, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर रेलिंग बना दी गई थी। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं इधर की साइड में, अभी मैं आधे ब्रिज पर चल के आया हूँ और इधर में अभी सरिया लगी हुई है। जैसा कि दोस्तों आपके नज़र आ रहा होगा, ये सरिया लगी हुई है और एक बाउंड्री सी इधर की साइड में बन चुकी है। तो दोस्तों इधर की साइड में अभी जो फुटपाथ चलते हैं, जो रेलिंग अभी आधी बन चुकी है जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, और मैं काफ़ी चल के आ चुका हूँ, आधे ब्रिज से ज़्यादा चल के आ चुका हूँ जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इधर की साइड में अभी सरिया बने हुए हैं और इधर की साइड में अभी रेलिंग नहीं बनी गई है, और ये सी दीवार काफ़ी बन चुकी है एक साइड की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर की साइड में काफ़ी रेलिंग बन चुकी है एक साइड की, और दोस्तों इधर की साइड में देखोगे तो यहाँ पर फ्रेम बना के तैयार की जा रही है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर फ्रेम बन के तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर फुटपाथ चलते हैं बनाई जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रेलिंग के लिए यहाँ पर फ्रेम बना के काफ़ी तैयार हो चुकी है, और काफ़ी भाई लोग यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज पर काफ़ी काम हो चुका है, जी हाँ काफ़ी काम हो चुका है। और अभी यह चम्बी नदी जो ब्रिज का जो गार्डन डलने का काम है, तो दोस्तों यहाँ पर काम चालू है, पर लेकिन यहाँ पर गार्डन अभी आठ बाकी हैं और दो पिलर अभी बाकी हैं। जी हाँ, एक पिलर पर चार गार्डन डाली जाती है और दो पिलरों पर आठ गार्डन डाली जाएंगी, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो पिलर अभी बाकी हैं और आठ गार्डन डलना बाकी है। जैसे कि दोस्तों अभी गार्डन कितना टाइम लगेगा तो मैं पूरी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से तो नहीं दे पाऊँगा, पर लेकिन थोड़े दिन बाद में जो काम चालू होगा तो मैं आपको जानकारी पहुँचा दूंगा कि कितने टाइम लगेगा गार्डन डल, कितना टाइम डलने में लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जब तक के लिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चम्बी नदी की जुड़ी हुई और ब्रिज की जानकारी आप सभी को मिल सके। दोस्तों आप देख सकते हैं ब्रिज पे से चम्बी नदी का कुछ नज़ारा ही कुछ देखने लायक अलग ही मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी चम्बी नदी का जो नज़ारा देखने लायक आपको मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सुंदर यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों आपको काफ़ी वीडियो ब्रिज के बारे में और रिवर के बारे में मिले होंगे, पर लेकिन यहाँ पर पवन माली चम्बल मंडल यूट्यूब चैनल द्वारा जानकारी आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको इंटरेस्टिंग एवं बहुत ही शानदार जानकारी आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चम्बी नदी की जुड़ी हुई जानकारी एवं ब्रिज की जानकारी और एवं अन्य प्रकार की जानकारी आप सभी को मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, तो दोस्तों मेरे को भी पता लगे कि वीडियो मेरा कितना पसंद किया है भाई लोगों ने। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और चम्बी नदी की जुड़ी हुई जानकारी आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों मैंने पूरी जानकारी आपको पूरी डिटेल के साथ पहुँचा दी है। तो जैसे कि दोस्तों आपको मैंने बता दिया चम्बी नदी का ब्रिज का कितना काम हो चुका है, कितना नहीं हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाली चम्बी नदी, जी हाँ राजस्थान मध्य प्रदेश वाली चम्बी नदी। जैसे कि दोस्तों अब मैंने यहाँ पर नज़र आया है मगरमच्छ चम्बी नदी में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं काफ़ी जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, पर लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई नहीं देगा, क्या क्योंकि यहाँ पर मैं ब्रिज के ऊपर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जो मगरमच्छ आपको नज़र आ रहा होगा, तो दोस्तों ये टापू पर जो मगरमच्छ है, जी हाँ मगरमच्छ, पर लेकिन यहाँ से मैं जूम करके काफ़ी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर लेकिन यहाँ पर देखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मगरमच्छ का कुछ नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बजरी बोलते हैं, रेती बोलते हैं चम्बी नदी में, तो जो टापू निकल आया दोस्तों, तो यहाँ पर टापू पर मगरमच्छ सूखे में निकल आया, जी हाँ सूखे में निकल आया। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाली चम्बी नदी, और राजस्थान मध्य प्रदेश वाली चम्बी नदी का मैं कुछ नज़ारा आपको दिखा रहा था, तो उसी समय यहाँ पर मेरे को नज़र आया था मगरमच्छ चम्बी नदी में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मगरमच्छ का कुछ नज़ारा। तो दोस्तों यहाँ पर मगरमच्छ में वीडियो शूट कर रहा था, उसी टाइम मेरे को नज़र आया था। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had. जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज, जी हाँ राजस्थान मध्य प्रदेश वाला ब्रिज, और यहाँ पर ब्रिज पर काफी काम चलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ यहाँ पर अभी
गार्डन डालना, तो लेकिन डालना तो चालू है पर लेकिन अभी गार्डन डाली नहीं जा रही है, पर लेकिन अभी डाल चुकी है। जैसा कि दोस्तों अभी इधर की साइड में जो मसाला भर के कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों उसके उनके लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके जब तक वो मसाला भर के कंप्लीट होगा जब तक के लिए यहाँ पर रेलिंग बनाई जा रही है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इधर की साइड में फुटवेयर चलते हैं वो रेलिंग बनाई जा रही है। जैसे कि दोस्तों आपको काफ़ी लोग बाग यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी काम भी हो चुका है और फुटवेयर चलते हैं जो भी काफ़ी रेलिंग बन चुकी है। जी हाँ काफ़ी रेलिंग बन चुकी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इधर की साइड में फ्रेम भी बन के तैयार हो चुकी है। जी हाँ काफ़ी फ्रेम भी बन के तैयार हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की साइड में जो ब्रिज बनता हुआ जा रहा है तो काफ़ी वहाँ तक फ्रेम बन चुकी है। जी हाँ काफ़ी फ्रेम बन के तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मसाला भरने की कमी है, दोस्तों यहाँ पर मसाला भी भरा जाएगा थोड़े दिन बाद। और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम चलता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी रेलिंग बन के तैयार हो चुकी है और काफ़ी फ्रेम तो पूरी बन चुकी है। जी हाँ पूरी फ्रेम बन के तैयार हो चुकी है, अभी मसाला भरा नहीं गया है। दोस्तों इधर की साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं इधर में भी जो मसाला भरने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा सिस्टम के साथ यहाँ पर काम किया जा रहा है और इधर में जो मसाला भरते हैं तो दोस्तों इधर में मसाला भरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इधर में मसाला भरा जाएगा, उधर की साइड में फ्रेम बन के तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर की साइड में जो ब्रिज बन रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर मधुमक्खी ने भी अपना घर बना लिया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा वीडियो चम्बी नदी का ब्रिज का, तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी जगह पर यहाँ पर मधुमक्खी ने अपना घर बना लिया है। जैसा कि दोस्तों इधर की साइड में भी घर बने हुए हैं और इधर की साइड में भी घर बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मधुमक्खी का छज्जा, और दोस्तों आप देख सकते हैं इधर की साइड में भी मशीन रखी हुई है और इधर के भी साइड में मशीन रखी हुई है। और दोस्तों इस मशीनों से यहाँ पर ब्रिज पर काम किया जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इधर की साइड में गार्डन बनाई जा रही है और इधर की साइड में भी जो ब्रिज का जो काम चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।